जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर हमारे पिता ने हमारे जीवनों में दी है। हम सब आनंदित हैं कि हम उस जीवित परमेश्वर के साथ संगति करने को तैयार हैं। ये संगति हमें प्रभु यीशु मसीह ने दी है कि इस संगति में हम उस महान और जीवित परमेश्वर की तारीफ करें, उसकी प्रशंसा करें, उसके साथ संगति करें और अपने रिश्ते को उस जीवित परमेश्वर से मजबूत करें। आइए आज की शाम में हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा, संतोष भाई की गवाही से। संतोष भाई ने हमें बताया कि उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी, वो बहुत सारी प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे थे। उनके बेटे के पेट में सूजन था, वो बहुत सारे हॉस्पिटलों में गए, बहुत सारा खर्चा किया परंतु फिर भी ठीक ना हुआ और वो बहुत ज्यादा कर्ज में चले गए और उनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज बढ़ गया। परंतु एक दिन जब वो यूट्यूब पर हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे थे तो उन्होंने उस दिन अपने मन में बहुत शांति पाई और फिर रोज सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होने लगे। उन्होंने कहा है कि अब उनके जीवन में सब कुछ ठीक हो गया है और वो बहुत खुश हैं। मेरे प्रियों, प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार से इस भाई के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को किया, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भी अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेंगे यदि आप उससे प्रार्थना करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं। आज शाम में मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह हमारी चट्टान है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जिस पर हम भरोसा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारी चट्टान है। एक ऐसी चट्टान जो कभी टलने की नहीं, जो कभी टूटने की नहीं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके सातवें अध्याय में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि जो व्यक्ति मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह व्यक्ति उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। जब मेघ बरसा, बाढ़ें आई, तूफान आया, उसके घर से टकराया परंतु उसके घर को किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई। क्योंकि उसने अपना घर चट्टान पर बनाया था, इसलिए उसके घर को कोई भी हानि नहीं हुई। हालांकि उसके जीवन में तूफान आया, उसके जीवन में बाढ़ें आई, उसके जीवन में मेघ बरसा, परंतु फिर भी उसके घर को किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई। मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारी चट्टान है, एक ऐसी चट्टान जो दृढ़ है, मजबूत है, वो कभी टूटने की नहीं। भजनकार दाऊद कहते हैं कि परमेश्वर मेरी चट्टान है, परमेश्वर मेरी चट्टान है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपकी और मेरी चट्टान है, प्रभु यीशु मसीह आपकी चट्टान है और आप उसके पीछे चलते हैं, आप उससे प्रार्थना करते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आपने अपना घर उस चट्टान पे बनाया है जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, हो सकता है आपके जीवन में तूफान आए, हो सकता है आपके जीवन में बाढ़ें आए, आपके जीवन में मेह बरसे, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके घर को कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि आपकी नींव उस चट्टान पर है जो बहुत मजबूत है। चाहे कितनी भी बाढ़ें, कितने भी तूफान आपके घर से टकराएंगे परंतु तो आपकी कोई हानि ना होगी, आपका घर ना गिरेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपकी चट्टान है, प्रभु यीशु मसीह आपकी नींव है। इसलिए मेरे प्रियो, जब भी आपके जीवन में समस्याएं आए, परेशानियां आए, तूफान आए, बाढ़ें आए, तो आप डरे नहीं, आप घबराएं नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी नींव उस चट्टान पर है जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। वो आपका प्रोटेक्टर है, वो आपको बचाने वाला है, वो आपके घर को टूटने न देगा, वो आपके घर को बिखरने न देगा, वो आपको हर एक बाढ़, हर एक तूफान से बचा कर रखेगा। मेरे प्रियो,
इसलिए आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह हमारी चट्टान है, वो हमारा दृढ़ गढ़ है, वो हमारा मजबूत किला है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता, जो कभी नहीं टूटती। वो सनातन की चट्टान है, हमेशा की चट्टान है, मजबूत चट्टान है। और उस चट्टान पर जब हमने भरोसा किया तो वो हमारी नींव बन गया, वो नींव का पत्थर बन गया, वो हमारी नींव बन गया। और जब हमने उस नींव पर अपना घर बनाया है तो हमारा घर कभी नहीं टूटेगा, हमारा घर कभी नहीं बिखरेगा। इसलिए आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, चाहे तूफान आए, चाहे बाढ़ आए, चाहे परेशानियां आए, चाहे समस्याएं आए, चाहे बीमारियां आए, परंतु आपके घर को कुछ नहीं होगा, आपका घर सुरक्षित रहेगा। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके अपने ध्यान को सिर्फ प्रभु परमेश्वर की ओर लगाएं, इधर उधर ना ताकें। यदि आप भीड़ में हैं तो एकांत में जाइए, अपने परिवार के साथ मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। ये समय है आपका और परमेश्वर का अपनी बातों को परमेश्वर से कहने का। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मेरे खुदावंद यीशु मसीह, मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। ये समय के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, दिन भर में सुरक्षित रखा प्रभु, हर एक खतरे मुसीबतों से बचा कर ये समय दिया कि हम दिन भर की तमाम बातों के लिए आपका धन्यवाद करें परमेश्वर पिता। हालेलुया, सच में मेरे पिता तेरे नाम सब नामों में ऊँचा है, तू सर्वसिद्ध है, तू सर्वश्रेष्ठ है, तू सर्व ज्ञानी है पिता। तेरा धन्यवाद करते लॉर्ड फादर, धन्यवाद करते प्रभु आज की शाम के लिए प्रभु, कि हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं लॉर्ड। धन्यवाद करते प्रभु इन भाई बहनों के लिए, इनके परिवारों के लिए धन्यवाद पिता, कि प्रभु ये तेरी उपस्थिति में बैठे हैं, तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, आपने इन्हें रक्षा, आपने इनके और इनके परिवार की रक्षा हिफाजत की लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, हम एक स्वर में प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं अपने जीवनों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर की हर एक बातों के लिए। यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं, मिलकर हम आपके नाम को सराहते हैं, मिलकर हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। सच में यू आर द ग्रेट फादर, यू आर द लवली एंड द केयरिंग फादर लॉर्ड, यू आर अवर शील्ड मेरे प्रभु जी। जितने भी भाई बहन प्रभु आज की शाम में प्रभु जी मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर लॉर्ड, उन्हें जुम्बिस करें, अपनी उपस्थिति से भर दीजिए, वो फील करने पाए प्रभु तेरी प्रेजेंस को लॉर्ड फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, पवित्र आत्मा आप इन्हें ब्लेस करें, आप इन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दीजिए परमेश्वर। होली स्पिरिट आप इन्हें प्रार्थना में अगुवाई करें, आप इन्हें निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करना सिखाइए, इनके शब्दों को पवित्र आत्मा आप और अधिकाई से प्रभु इन्हें अच्छे से प्रार्थना करना सिखाइए, शब्द इनके नहीं पवित्र आत्मा आपके होने पाए। होली स्पिरिट हम आपकी मदद को मांगते हैं कि प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें, यीशु के साथ हमें बातचीत करने में मदद करें। हालेलुया, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता ये समय के लिए, धन्यवाद धन्यवाद पिता आपके प्रेम के लिए, पिता आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए। यीशु मसीह राजा हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, तू शांति का राजा है प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए मेरे प्रभु जी, सच में प्रभु ये वचन प्रभु जी आपने हमसे बोला और बातचीत किया लॉर्ड। सच में आप अपने लोगों से, अपने बेटे और बेटियों से निरंतर बातचीत करते लॉर्ड। आप चाहते हैं कि आप हमसे बात करें, आप चाहते हैं कि हम भी आपसे बात करें, आप चाहते हैं कि हम अपने मन की बातों को अपने मुंह से आपसे कहें लॉर्ड, क्योंकि आपको ये अच्छा लगता है, आपको ये भाता है कि जब आपके बेटे और बेटियां जब आपसे प्यार करते वो आपके पास आए, एक बच्चे के समान आपके पास आए, आपसे लिपटे रहें, आपसे प्रार्थना करें। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर, यू आर द ग्रेट फादर, यू आर द ग्रेट लॉर्ड फादर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, ये वचन प्रभु इस भाई इस बहन के लिए प्रभु जी, ये इस भाई और बहन के लिए था प्रभु, क्योंकि आपने इनसे बातचीत किया लॉर्ड, क्योंकि प्रभु आपने कहा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है वह कभी भी टलने का नहीं, और तू हमारी मजबूत चट्टान है पिता, तू हमारी मजबूत नींव है, तू
तो सनातन का सनातन की चट्टान है पितृप्रभु, आप मेरी चट्टान है, आप इस भाई की चट्टान है, आप इस बहन की चट्टान है, इनके परिवार में हर एक जन जो आप पर विश्वास करता है प्रभु आप उसकी चट्टान है परमेश्वर। मेरे खुदावंद यीशु मसीह, सच में मेरे पिता परमेश्वर, जब इन्होंने अपने जीवन से विश्वास आपको दिया है, आपको अपने जीवन का आधार माना है, आप पर आपको अपनी नींव माना है लॉर्ड, आपका वचन कहता है धर्मी में बहुत सी विपत्तियां पड़ेंगी तो सही परंतु यहोवा उन्हें उनसे छुड़ा लेगा। हाँ मेरे यीशु मसीह, जब विपत्तियां परेशानी मुश्किलें इनके जीवन में आती प्रभु, प्रभु जी दुष्ट अपने हथियारों को इनके जीवन में इस्तेमाल करता है प्रभु, अंधकार को लेकर आता है, बहुत सारी परेशानियों को विपत्तियों को इनके जीवन में लेकर आता है, परंतु पिता ये टलेंगे नहीं क्योंकि इनकी चट्टान हमारा जीविता परमेश्वर यीशु मसीह, हालेलुया। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु जी, वो घर कभी नहीं टूटता जिसकी नींव आप है परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, सच में मेरे परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु, ये भाई बहन जब आज की शाम में आपसे प्रार्थना कर रहे लॉर्ड, आप इनकी चट्टान हैं, आप इनका दृढ़ गढ़ हैं। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, चाहे कितनी भी विपत्तियां, कितने भी तूफान, कितनी भी बाढ़ें प्रभु जी इन पर टकर जाएं, परंतु ये कभी नहीं टलेंगे। चाहे कैसी भी विपत्ति इनके परिवारों में, इनके जीवनों में आ जाए, परंतु ये नहीं टलेंगे क्योंकि इनकी मजबूत चट्टान आप हैं परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आप इन्हें हर एक खतरे मुसीबतों से, जीवनों में आने वाले हर एक तूफानों से, हर एक उन तूफानों से जो जीवन को तितर बितर करती हैं, उनसे आप इन्हें और इनके परिवारों को बचाएं परमेश्वर। मेरे पिता, क्योंकि आप इनके पिता हैं, आप इनके परमेश्वर हैं, क्योंकि प्रभु ये ज्योति की संतान है, आपने इन्हें बुलाया है प्रभु, ये अंधकार के नहीं परंतु ये ज्योति की संतान है परमेश्वर, और तू ही जगत की ज्योति है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, मेरे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, दुष्ट जो अपना हथियार प्रभु जी तेरे लोगों को तोड़ने के लिए, तेरे लोगों को प्रभु तुझसे दूर करने के लिए इस्तेमाल करता है, मेरे प्रभु जी, वो सारे हथियार प्रभु सब के सब नष्ट होने पाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे वह तुझ पर सफल ना होंगे। हाँ परमेश्वर, जो हथियार शैतान प्रभु इनके परिवारों के लिए, इनके लिए बनाता है ताकि वो तुझसे दूर हो, मेरे प्रभु इन पर सफल नहीं होंगे मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि तू इनको बचाता है। हो हालेलुया, सच में मेरे पिता, तेरा वचन कहता है कि क्रोध और हत्या ना करना, मेरे परमेश्वर ये शैतान का हथियार है, हर एक क्रोध और हर एक हत्या, यीशु के नाम से पिता ये सारी बातें इनके जीवनों से चली जाएं, हर एक क्रोध यीशु के नाम से जाने पाए, हर एक दूसरे की हानि का विचार इनके जीवनों से जाने पाए, हर एक व्यभिचार यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके जीवनों से जाने पाए, मेरे पिता, हर एक गलत अभिलाषा, हर एक गलत बातें प्रभु जो इनके जीवनों को तोड़ती है, इन्हें तुझसे दूर करती है, जो आपकी नजरों में गलत है यीशु मसीह, उन बातों को इनके जीवन से हम डिस्ट्रॉय करते हैं परमेश्वर पिता। मेरे परमेश्वर पिता, होने दे प्रभु, जिन हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रभु जी तलाक होने जा रहा है पिता, तलाक का विचार है, एक दूसरे को छोड़ने का विचार कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जाने का विचार कर रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से वो अंधकार की शक्तियां, वो अंधकार की बातें इनके रिश्ते में ना आने पाए, वो विचार यीशु के नाम से दूर होने पाए, मेरे प्रभु आपका वचन कहता है हर एक पत्नी अपने पति के अधीन रहे और हर एक पति अपने पत्नी से अपने समान प्रेम करे। लॉर्ड आप इनको प्रभु हर एक तलाक से, हर एक दूरियों से, हर एक मिसअंडरस्टैंडिंग से, हर एक रॉन्ग रिलेशनशिप से बचाएं परमेश्वर पिता, इनके रिश्ते को मजबूत करें, इनके रिश्ते को परिपक्व करें, इनके रिश्ते में मेल मेल मिलाप और प्रेम को दें पिता, ताकि शैतान का हथियार इनके जीवनों में, इनके परिवारों में कार्य न करने पाए। मेरे पिता, उसका हथियार है कि परिवारों में दूरियां, परिवारों में कलेश, परिवारों में एडिक्शन, बच्चे गलत रास्तों में, वो उसका हथियार है। यीशु के नाम से हम उन हथियारों को प्रभु खंडित करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता, हर एक एडिक्शन, हर एक गलत रास्ते, हर एक दुष्ट संगति यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जी ये किसी पर भी दोष न लगाएं। मेरे पिता, हर एक दोष लगाने वाली भावनाएं इनके जीवनों से चली जाएं। आज की शाम में आप पिता परमेश्वर, हर एक दोष भावना दूर होने पाए। मेरे पिता, ये एक दूसरे पर दोष नहीं परंतु एक दूसरे को शांति दें, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनने पाए। लॉर्ड मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, मेरे प्रभु जी, प्रतिशोध की भावनाएं, मेरे पिता, बदले की भावना यदि इनके अंदर है, यीशु के नाम से वो बदले की भावना
पाए, मेरे परमेश्वर पिता ये किसी से भी बदला लेने पाए, परंतु हर एक बात के लिए तू तुझ पर निर्भर रहे, क्योंकि पलटा लेना तेरा काम है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर इन भाई बहनों के लिए कि ये अपने शत्रुओं से भी अपने समान प्रेम करें, क्योंकि तेरा वचन कहता है एक दूसरे से प्रेम करो। हाँ मेरे प्रभु, ये एक दूसरे से प्रेम करने वाले हो सके। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। लॉर्ड मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि प्रभु आज की शाम में इन सारे जो दुष्ट के हथियार हैं इनके जीवनों में आते हैं, इन्हें इनके जीवन को खराब करते हैं, इन्हें प्रभु डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, यीशु के नाम से इनके जीवन में सफल ना हो। यही है जो परिवारों को तोड़ता है, यही है जो परिवारों में कलेश मेल मिलाप को खत्म करता है। यीशु के नाम से हर एक अंधकार की बातें इनके परिवार से, इनके जीवनों से चली जाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट प्रभु हर एक बीमारी यीशु के नाम से चली जाए, हर एक पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी यीशु के नाम से चली जाए, हर एक दर्द यीशु के नाम से चला जाए। धन्यवाद करते प्रभु आपने इन्हें चंगा किया। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता आज की रात में प्रभु जी आप हर एक को अच्छा स्वास्थ्य दें, हर एक को आप मीठी और अच्छी नींद दें, हर एक बुरे सपनों से, हर एक दुष्ट की बातों से, हर एक गलत बातों से आप इन्हें और इनके परिवारों को बचाएं परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन मैं दुआ करती प्रभु जिस किसी बात को लेकर ये प्रार्थना कर रहे हैं, जो भाई बहन हमें कमेंट्स करें, प्रभु आप इनकी सुधि लें, आप इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दें और आप इनके जीवनों में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करें पिता। मेरे प्रभु आप जानते हैं इन्हें किस वस्तु की आवश्यकता है, आप इनकी आवश्यकताओं को पूरी करें। धन्यवाद यीशु के नाम से इन्हें ब्लेस करते हुए प्रार्थना तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहें। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। यूं ही हम निरंतर संगति करें, यूं ही हम परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर की सिद्धताई में और पवित्रताई में बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपको आशीष दे।